हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ लीना। आई अपलोड हियर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ मैं लगा रही हूँ कद्दू के पत्तों की साग, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ, इसे मैं प्रेशर में डाल रही हूँ। करीब 5 से 6 सीटी लगाने के बाद ये साग पकते हैं। और प्रेशर में डालने के बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ और लगा दूंगी अभी 5 से 6 सीटी के लिए। यहाँ मैंने साग को प्रेशर में चढ़ा दिया है और मैं जाके बैठ रही हूँ, थोड़ा पानी पीऊँगी। आप लोग देख सकते हैं कितना अपसेट लग रहा है। आज का दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मानो ऐसा हो रहा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब मन करता है कि बहुत रो लूँ, बस ऐसा ही फील हो रहा है। थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा, बोलते हैं ना जब भी आप स्ट्रेस फील करो तो एक गिलास पानी पी लो, तो वही मैं बैठ के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश में ही हूँ। और यहाँ मैं बैठ के सोची कि एक गिलास पानी पी लूँ, तो थोड़ी देर पानी पीऊँगी, उतनी देर में मेरी जो साग है वो रेडी भी हो जाएगी। बहुत देर तक खुद को दिलासा देने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा तो नहीं, बस दिल कर रहा है कि कहीं अकेले बैठ के कुछ देर रो लूँ तो थोड़ा हल्का लगेगा। लेकिन हाँ, कुकिंग तो है बाकी। और मैं जा रही हूँ आज, मतलब हमारा तो वही प्लेस है, किचन ही है जो हम लोगों का जो एक मी टाइम होता है, मुझे स्पेशली वही फील होता है। तो सोची कि क्यों ना आज अपने लिए कुछ बनाया जाए। तो मैं यहाँ एक कैप्सिकम और आलू काट रही हूँ, मतलब आलू और कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाऊँगी, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। मेरी भाभी बनाती थी और वही ट्राई कर रही हूँ। और उतनी देर में मेरी साग भी यहाँ बन के रेडी है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ वही जो कद्दू के पत्तों की साग है, उसी का छौंका लगा रही हूँ। तो ऑयल ऐड करके थोड़ा सा मस्टर्ड और थोड़ा जीरा ऐड किया, उसमें प्याज ऐड किया। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है और उसी को ही मैं अच्छे से पका लूँगी। प्याज थोड़ा फ्राई करके उसमें साग डालूँगी और मेरी साग बन के रेडी है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है ना, इसे एकदम ड्राई करना है, सूखने तक ही पकाना है और साग बन के रेडी हो जाएगी। आद्या का आज स्कूल छुट्टी है, सेकंड सैटरडे के लिए उसका स्कूल बंद है। तो वो बोली कि मामा मुझे दूध पीना है, तो मैंने उसे ये दूध गर्म करके दे दिया है। और दूध दे देने के बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया था चावल। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं साग में जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अभी मैं इसे गैस को बंद कर दूँगी। और यहाँ मैं लगा रही हूँ वही जो कैप्सिकम और आलू की सब्ज़ी। यहाँ मैंने ऑयल ऐड करा है, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड किया है। और उसी में ही मैं ऐड करूँगी प्याज और कैप्सिकम कटे हुए, सबको मैंने क्यूब साइज में काट रखा है। प्याज और कैप्सिकम अच्छे से भुन जाए, उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूँगी आलू। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, उसी के साथ थोड़ा सा टोमेटो सॉस। आद्या भी मेरे साथ खाएगी तो मैं थोड़ा मिर्ची कम ही ऐड करती हूँ। और यहाँ सबको ऐड करने के बाद मैं आलू को बॉईल करके रखा था, काट के बॉईल करके रखा था, मतलब एक ही सीटी ही दिए थी। और इन आलूओं को भी मैं ऐड कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। आलू हल्का सा पका हुआ है, मैं उसे थोड़ा और पकाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसे ढक दूँगी, ताकि जो आलू 20% पका नहीं है वो भी पक जाए। पानी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे आलू और कैप्सिकम की सब्ज़ी को ढक लिया था और अभी ये एकदम पक के रेडी है। सारे आलू भी 100% पक चुके हैं और आलू की सब्ज़ी तो रेडी है। यहाँ मैं लगा दे रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी। सारे सब्जियों को, जो भी सारे सब्ज़ी थे, मैंने उन्हें काट लिया है। और यहाँ ऑयल ऐड करके आलू अच्छे से भून लूँगी, उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मसाले अच्छे से भुन जाए, उसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। और जो भी सारे मसाले ऐड करने हो, सारे मसालों को मैं यहीं पर ही ऐड कर लूँगी। और यहाँ मैंने ऐड करा है कश्मीरी लाल मिर्च।
नमक और हल्दी और करी पाउडर ऐड करने के बाद मसाला अच्छे से भुन जाए और यहाँ मैं सारे सब्जियों को अच्छे से धो के ऐड कर दे रही हूँ। सारी सब्जियों को मसाले में ऐड करने के बाद मैं इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मसाले में भून लूँगी। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक सारी सब्जियाँ अपना पानी छोड़ दें और मसाले में से वो पानी ड्राई भी हो जाए। यहाँ सारी सब्जियों ने अपना पानी छोड़ लिया है और यहाँ मैं प्रेशर में हल्का थोड़ा सा पानी देके प्रेशर में डाल दूंगी सारी सब्जियों को और एक ही सीटी डाल दूंगी। यहाँ एक सीटी देने के बाद मैं सीटी को रिलीज़ कर दे रही हूँ ताकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ना गले। घर में किसी को पसंद नहीं है सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गल जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है तो मैं दोबारा से गैस ऑन करके उस पानी को और थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, इससे बढ़िया अच्छा फ्लेवर आता है। और वेज में गरम मसाला थोड़ा ऐड कर लेती हूँ और यहाँ मेरी सब्ज़ी बनके रेडी है। और लास्ट में मैं यहाँ धनिया पत्ते ऐड कर रही हूँ। धनिया पत्ते ऐड करने के बाद मिला के मैं दोबारा से प्रेशर का ढक्कन दे दूँगी ताकि जो पत्तों का फ्लेवर है उसमें बढ़िया तरह से आ जाए। और यहाँ मेरी मिक्स वेज की सब्ज़ी भी बनके रेडी है। और फाइनली कुकिंग मेरी ख़त्म हो गई है और आप देख सकते हैं मुझे कैसी हालत हो। मतलब आज मैंने कुछ किया नहीं है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था आज पूरे दिन में। सुबह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, चिड़चिड़ा नहीं, बस कभी कभी होता है ना, मन भरा रहता है, वैसा ही दिन था आज। और कुकिंग तो ख़त्म हो गई, वैसे कुछ भी हो जाए, चाहे किचन से तो हम लोग बच नहीं सकते। और मैंने अपनी कुकिंग अभी ख़त्म कर ली है, अब मुझे यहाँ से जाना है। आज का दिन पता नहीं क्यों बहुत ख़राब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मौसम एकदम सैगी है, बारिश हुआ नहीं है, मतलब धीरे धीरे ऐसे सैगी हो रहा है। शायद शाम तक को इवनिंग में, शायद इवनिंग या आफ्टरनून तक बारिश होगी। और आज तो वैसे ही मुझे कुछ मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों से ना बातें करते करते ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोली कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए आज के दिन आओ। वैसे मैं ना इन दिनों ना मेरा वीडियो काफ़ी गैप हो रहा है, मतलब मैंने तो अपनी कंसिस्टेंसी रखी है, मतलब 2-3 दिन के गैप में मैं अपना वीडियो डालती ही रहती हूँ। लेकिन इन दिनों लगता है मुझे स्पेशली लगता है कि मैं थोड़ा निगलेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि आद्या का शुरू हो चुका है स्कूल, और स्कूल के लिए ना रोज़ सुबह उठ के भाग दौड़ी होती है, और आज सेकंड सैटरडे है तो उसका स्कूल था नहीं, तो इसीलिए सोचा कि आज मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ, तो आज मैंने लगा लिया था। और आपने देखा कि मैंने आपके साथ जो जो भी किचन में किया, मिक्स वेज हुई और आलू और कैप्सिकम की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी, और कद्दू के पत्ते के सब्ज़ी आप रेसिपी देख लीजिएगा वीडियो में, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कद्दू के साथ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों तक, मतलब मेरे मायके में नहीं था कद्दू के साग ऐसे खाते हैं, यहाँ पे मैं आके सीखी। और कद्दू के फूल की रेसिपी बहुत बढ़िया लगती है, और आलू और कैप्सिकम से सब्ज़ी भी मैंने पहली बार बनाई है। आप लोग रेसिपी देखिएगा और घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया लगता है। और आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक और अपना फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा के मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। और फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। All right, all right, all right.